तो मुझे बिल्कुल याद है कि 1936 की बात, 1936 की बात है, 36 की बात है मुझे जहाँ तक ख्याल है, क्योंकि 1934 में तो अर्थक्वेक हुई थी और कोयटा वगैरह की तरफ, तो मुझे वो कोयटा की अर्थक्वेक याद है। कोयटा सिंध में एक बहुत बड़ा अच्छा शहर था। ये जो सूखा मेवा आता है ना, ये खुरमानी, किशमिश, ये सब कोयटा का मेवा कहा जाता, तो इसलिए सिंध में ये कोयटा का मेवा सस्ता मिलता था उस टाइम में। बादाम, खुरमानी, ये सब कोयटा से ही आता था, तो कोयटा में अर्थक्वेक हुआ था, इसलिए वो याद है। तो 1936 में मैं ये पढ़ती थी कहा कि मैट्रिक, जिसको 10वीं कहते हैं। तो उसी टाइम ये दिवालियों की, दशहरे की छुट्टियां मिलती है 20 दिन, मुझे याद है उस टाइम में भी 3 सप्ताह छुट्टियां मिलती थी, वैकेशन होती थी। हैदराबाद गर्म मुल्क तो होता था, और दिन में तो बहुत गर्मी में, मई जून में तो बड़ी गर्मी होती थी, परंतु दिवाली में इतनी गर्मी नहीं होती। तो छुट्टियों में हम थी, तो छुट्टियों में तो बाकी भी टाइम मिलता था, तो मंदिर में जाना करना होता था। तो सवेरे सवेरे हम थोड़ी थोड़ी उस टाइम में दिवालियों में ठंडी शुरू होती है, हम सोई पड़ी थी अपनी पलंग पर, तो मुझे याद है कि मेरे सामने एक सुंदर बगीचा देखा। अब मैं कैसे ज्ञान में आई पूछा ना, मैं बताती हूँ। एक बहुत सुंदर शाही, बहुत बहुत बड़ा शाही बगीचा देखा, और उसी बगीचे में बहुत चारों तरफ लाइट ही लाइट थी, बहुत सुंदर लाइट थी, और उसी चारों तरफ जैसे कोई लाइट के बीच एक सुंदर बगीचा हो, और दूर दूर बड़े फूल फल ऐसे लगे। अगर मुझे याद है तो वो बगीचा, अब मैं एक बात सुनाऊं, मैं कभी चाहती थी ऐसा बगीचा मैं कब तो यहाँ इस टाइम में देखूं। तो मैं जब ऑस्ट्रेलिया में गई, वहाँ एक जगह बहुत बड़ा शाही, जैसे ग्रीन गलीचा बिछा हुआ हो ना, बहुत बड़ा बगीचा था, वहाँ बरसात होती है ना, बहुत बड़े शाही शाही ग्रीन ही ग्रीन लैंड। मैंने कहा ये तो मैं जैसा वहाँ स्वर्ग का बगीचा देखा। तो उसी बगीचे के बीच पहले पहले लाइट आई, उस लाइट के बीच से छोटा सा श्री कृष्ण, राधे नहीं थी, सिर्फ श्री कृष्ण बंसरी लेता, नाचता नाचता कूदता, वो बहुत दूर से नाचता 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 वो मेरे समीप आया। तो जब वो मेरे समीप आया तो आप सोच सकते, बहुत मुझे खुशी हुई, इतनी, परंतु मैं नींद में हूँ, अब सुपना या ध्यान है, पर मुझे, मैं सोई पड़ी हूँ। तो वो मैंने देखा कि वो मेरे बहुत पास में आया। जब पास में आया तो मैं बहुत खुशी में उनको देखती रही, बस खुशी में। तो जब मैं उनको बहुत खुशी खुशी में देखती रही, तो उसी के पीछे एकदम सफेद वेशधारी फरिश्ता आया। तो छोटेपन में सत्यनारायण का व्रत रखते थे, और उस टाइम में सुनाते थे कि भगवान बूढ़े वेश में आता, सत्यनारायण का व्रत रखते हैं ना, आप लोग जानते हैं ना, वो सत्यनारायण का व्रत रखते हैं ना,
सो सत्यनारायण भगवान कहते हैं वो बूढ़े बूढ़ा होता है। तो जब वो मैंने श्री कृष्ण के साथ वो सफेद वेशधारी फिरता देखा तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे भगवान सत्यनारायण को मैं देख रही हूँ। तो मैं श्री कृष्ण भी प्यारा यूं देखूं, फिर ये सत्यनारायण को देखूं, इनको देख इसको देखूं, मुझे दोनों बड़े प्यारे लगे, बहुत प्यारे बहुत प्यारे। तो इतने में मैं जाग पड़ी और दोनों गायब हो गए। श्री कृष्ण भी गायब हो गया तो सत्यनारायण भी गायब हो गया, दोनों गायब हो गए। पर मुझे अंदर बड़ी खुशी हुई। तो खुशी हुई क्यों हुई कि ये मेरे बच्चों में बचपन में सुना हुआ था कि भगवान का दीदार होवे तो किसको सुनाना नहीं चाहिए, ये गूंगे की मिठाई अंदर खानी चाहिए, तो फिर भगवान आएगा, फिर भगवान आएगा, फिर भगवान आएगा, ये सुनी हुई बात थी। तो मैं किसको बताऊंगी नहीं, न मम्मी को सुनाऊं न किसको सुनाऊं, पर मुझे अंदर बड़ी दिल हो फिर मैं देखूं, फिर मैं देखूं, फिर मैं देखूं, कब देखूं, फिर कब आए। तो फिर तो देखा ही नहीं। फिर मैं जाकर के और कोठे पर बैठ जाऊं, श्री कृष्ण की माला लेके, बस श्री कृष्ण तो मुझे फिर आओ, पर आवे ही नहीं, आवे ही नहीं। बहुत माला फेरूं, ध्यान करूं, मूर्ति का मंदिर में जाऊं, आवे नहीं। लेकिन मेरी दिल बहुत थी। ऐसे करके दो तीन दिन बीत गए। तो क्या हुआ कि दो तीन दिन के बाद मेरी एक क्लास फेलो थी, वो कोई ओम मंडली में गई थी। उस टाइम में इसको कहा जाता था ओम मंडली। आप लोग सुनिए ना नाम ओम मंडली, सुना है नाम ओम मंडली का। तो ओम मंडली में वो थोड़े दिन हुआ था वो गई थी। तो वो मेरी क्लास फेलो थी, तो ऐसे ही उसने भी याद किया। मैंने कहा था अच्छा मैं आऊंगी, नजदीक के घर थे तो हम वहां गई। तो वो बहन मेरी मेरी फ्रेंड ध्यान में बैठी और ऐसे आंसू बह रहे। तो मैं उनको कहूं, उनका नाम था लीला, लीला लीला, जवाब नहीं दे रही, बस ऐसे मुस्कुराती रहती, यूं हाथ उठा रही है, यूं कर रही है, यूं कर रही है, आंसू बहा रही है, पर मैं उनको बुला रही हूँ, मुझे जवाब देती नहीं। तो जरा मुझे बच्चे होते हैं बुरा भी लगे, क्या है मुझे पता तो नहीं कौन को क्या हो रहा है। तो मैंने उनके मम्मी को कहा कि मुझे तो लीला ने बुलाया और मैं आई हूँ, तो बात भी नहीं करती है, आंखें भी नहीं खोलती है, और मैं बुला रही हूँ जवाब भी नहीं देती है, ठीक है मैं जाती हूँ, मैं चली जाती हूँ। तो मम्मी ने कहा भाई मुझे भी बेटी पता नहीं है, और बस इसको बस जब देखो तब देखो, ये ध्यान में बैठी रहती है, क्या इसको हुआ है मुझे खुद पता नहीं है, और दो तीन दिन से इनकी ये अवस्था। तो जो देखा ना मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो देखने के बाद जैसे बच्चियां होती है, बताओ 13-14 बरस की क्या उम्र होती, तो कहा कि चलो। उस टाइम में मुझे सभी रामा कहते थे, मेरा नाम लोग मैं रामा रामा, और चलो और हम तुमको श्री कृष्ण का दीदार कराएंगे, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें श्री कृष्ण का दीदार दूंगा। मैंने कहा लीला तुम्हें क्या नशा चढ़ा है, श्री कृष्ण का दीदार कोई मासी का गाना चर्चा है, आई है श्री कृष्ण का दीदार करेंगे, मैं कितनी पूजा करती हूँ तो ही नहीं, अभी तुम मुझे कराएंगे। जैसे बच्चियां हंसी करती है, कहा नहीं तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें कराएंगे। अच्छा कहा, तो बिल्कुल उनके ही सामने में बहुत नजदीक नजदीक घर थे, बाबा ओम मंदिर का जो सत्संग पहले शुरू किया ना सत्संग, वो सत्संग था भाऊ के घर, माना भाऊ बाबा का विश्व किशोर भाऊ वो बाबा का भतीजा था। तो बाबा ने पहले पहले सत्संग किया अपने भाई के घर, अपने घर में। तो वो घर उनके ही सामने में था और कोई हम लोगों से दूर नहीं था, 5-7 मिनट के पैदल में था, और किकनी वो भी जो था सत्संग
वो किकनी, वो फिर मेरी दूसरी फ्रेंड थी, उनके ही घर में था। और किकनी बाबा की अलौकिक में बहन, बहन की लड़की थी, माना बहन के घर में किया। तो मैंने कहा अच्छा किकनी के पास तो चलेंगे। अच्छा कितने बजे? तो कहा और अभी तो शाम का टाइम है और कल सुबह को 10 बजे सत्संग होता, आप 10 बजे आना। तो बाबा सुबह को 10 बजे सत्संग करता था, क्योंकि अभी अभी तो माताओं का ही था, तो मर्द लोग तो सब दुकानों में जावे, तो माताएं 10 बजे से 11 फ्री होती है। तो उस टाइम में वो छोटा कमरा था, उसमें बाबा ने सत्संग शुरू किया। मैं समझती हूँ कमरा थोड़ा बड़ा था, जैसे कोई बड़ा कमरा हो, इधर कर पलंग इधर पलंग, बीच में गद्दी थी, बस वहां सत्संग होता था। जैसे गीता पाठशाला करते हैं ना, ये आदि शुरू स्थापना गीता पाठशाला के मुआफिक हुई है, उसी कमरे में बाबा का सत्संग। रात को आके बताया कि सखी ने कहा कि चलो सत्संग में, तो मैंने रात को आ करके, क्योंकि एक बात सुनाओ, उस समय में हम लड़कियां होती थी ना, कि मम्मी पापा के छुट्टी के बगैर हम कभी दरवाजे से बाहर नहीं जाती थी। आज लोग तो आप लोग कहाँ भी घूमने जाओ, नहीं मम्मी मैं यहाँ जाती हूँ, मम्मी कहेंगी जाओ तो जाएंगे, कभी नहीं जाते थे, आज्ञा में रहते थे, बहुत मम्मी पापा की आज्ञा में रहते थे। कभी मम्मी पापा को सामने जवाब दियो, मस्ती करो, कभी नहीं। मुझे याद नहीं कभी ऐसा कारण बने कि कोई मम्मी पापा को कोई सामने में जवाब देने, बिल्कुल जैसे वो कहे वैसे करना, तो आज्ञाकारी रहते थे। तो उस टाइम में भी इतने मैनर्स थे नहीं, कभी कोई ऐसे कहाँ जाना, कभी कोई लड़का, कोई संग, कोई ऐसा कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। मम्मी पापा का प्यार भी रहता था तो कंट्रोल भी रहता था, तो हम बच्चों में वो संस्कार ही नहीं होता था, कहाँ इधर उधर जाना आना घूमना फिरना कुछ नहीं। तो फिर क्या हुआ कि हमने आके रात को बोला पापा को कि पापा ऐसे यहाँ कोई सत्संग ओम की धुनी पर होता है, वहाँ श्री कृष्ण का होता है, नहीं मैं बोलूं उनसे पहले, मैं पीछे बोलती हूँ, उनसे पहले रात के टाइम में जब पापा दफ्तर से आया तो कहा बेटी तुम्हें तो छुट्टी है स्कूल की, और यहाँ एक दादा है, दादा नाम सुना था, तो दादा कौन है वो मुझे नहीं पर दादा नाम सुना था, और वो गीता पर सत्संग करता है और माताएं जाती है और सुना है थोड़ा ओम की धुनी करते है, तुम बेटी फ्री बैठी हो, स्कूल तो तुम्हारा बंद है, क्यों नहीं जाती हो सत्संग करने। ये पहली बात मुझे पापा ही कहता, तो मैंने कहा वो दादा है कौन, तो फिर बताया कि वो दादा जो रामानंद सत्संग करता था, ये वो है आप उसका, तो सुन रखा था बाबा का नाम। मैंने कहा अच्छा, तो मैं आज गई थी लीला के पास, उसने भी मुझे कहा कि तुम चलो वहाँ श्री कृष्ण का दीदार भी होता है, हाँ उनकी धुनी होती है, मुझे पता है, तू जाओ बेटी तू जाओ, तुम्हारा तो कृष्ण से प्यार है ना, तू जाओ। तो अब समझो वो मुझे सुबह को याद करके फिर भेज देता है कि तू जाओ, क्योंकि फ्रेंड्स को तो जानते थे। तो फिर मैं अब यहाँ है कि मैं सुबह को और फ्रेंड के पास गई, मैं उनके साथ मिल करके मैं सत्संग, आमने सामने ही था। तो जब मैं बाबा के पास पहुंची तो फिर क्या हुआ, अब बात सुनाती। तो जब मैं वहां सत्संग में पहुंची तो बाबा ओम की धुनी लगा रहा था, और वो ओम की धुनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, हमें नहीं आती पर बहुत, उस टाइम में तो हम सब करते थे, बहुत अच्छी ओम की धुनी है। और बस मैं जैसे वहां गई और ओम की धुनी हुई और मैं ध्यान में चली गई, सुना मैं भी ध्यान में चली गई, पहला बार मैं ध्यान में गई हूँ, मैं कभी पहले ध्यान में नहीं गई, मुझे पूरी बोल नहीं सकती, स्वास्थ्य जाता, फिर भी दादी बोले तो मैं ध्यान में कैसे गई, वो पीछे ओम की धुनी बताऊं,
मुझे आती नहीं है पूरी। ओ तो बाबा ये ओम की धुनी कर रहा था, बस बाबा का ओम की धुनी करना और मेरा ध्यान में सुना।